नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज चला है 16 मार्च। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, किस तरह से महिलाओं का अधिकार छीन रही है बीजेपी, बताया है सभी हकीकत सामने आ चुकी है बीजेपी की, बताएंगे इसके बारे में। वही सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर अब SIT की जांच होने जा रही। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला खरारा हमला, भाजपा के खाते में कैसे आ रहा इतना पैसा, आखिर क्या है इसकी वजह, सिट की जांच होनी चाहिए, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही, किसानों ने बोला करारा हमला, कहा अगर मांगे नहीं हो रही हैं पूरा तो पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान भी जारी रहेगा आंदोलन, प्रदर्शन होगा तेज, कांग्रेस को मिल सकता है बम्पर फायदा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, गणेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू ने संभाला है चुनाव आयुक्त का पदभार, लेकिन मामला जा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, आखिर क्या है इसकी वजह। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, दिल्ली शराब नीति मामले में ED को बड़ा एक्शन करना पड़ गया है। जी आपको बता दें, पूर्व CM KCR की बेटी के घर पर हुई है ED की छापेमारी, आखिर क्या है इसकी वजह। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, केजरीवाल की याचिका को लेकर क्या कुछ फैसला लिया है कोर्ट ने, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, बीजेपी के 2 मेयर हो चुके हैं सस्पेंड, आखिर क्या वजह है, चंडीगढ़ पार्षद में सस्पेंड हुए वाले। आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वाला करना जरूर दबाइएगा, देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए। दरअसल पहली और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर अब सिट की जांच होने जा रही है। बीजेपी लगातार दुरुपयोग कर रही है सरकारी एजेंसियों का, जिन कंपनियों पर होनी चाहिए जांच उन कंपनियों से ले रही है चंदा बीजेपी। जी बड़ी खबर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस मामले में अब SIT की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक यह जांच पूरी नहीं होती तब तक के लिए भाजपा के बैंक खाते को लेन देन पर रोक लगा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी बॉन्ड के कई हजार करोड़ रुपए की रकम जुटा ली है, कांग्रेस को तो चंदा मिला था, लेकिन हमारे बैंक खाते के लेन देन पर रोक लगाई गई। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी पार्टियों के खाते के लेन देन पर रोक लगाई हो तो अब चुनाव कैसे लड़ेंगे, समान अवसर होना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के भी लेन देन खाते पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि PM मोदी कह रहे थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब यह उजागर हो गया है कि भाजपा ने चुनावी बॉन्ड में कैसे पैसा बनाया है। इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस के पास तो चुनाव लड़ने के लिए भी फंड नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कांग्रेस के पास लोगों द्वारा दिया गया चंदा जिन बैंक खातों में जमा किया गया था उन पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया है, अब आयकर विभाग पार्टी और भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आह्वान है कि देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ मजबूती के साथ केंद्र सरकार निष्पक्षता से चुनाव लड़े, ना कि सत्ता में आने के बाद सत्ता का उपयोग करे, चुनाव निष्पक्षता से होने चाहिए तभी सही नेता चुना जाएगा। खड़गे ने चुनाव में समान और समान अवसर की आवश्यकता पर जोर दिया है, आरोप लगाया कि भाजपा ने आयकर विभाग का सहारा लेकर कांग्रेस के खातों को रोक दिया है और उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि जितना पैसा इस बार फंड में बीजेपी के पास आया है, क्या उनके ऊपर अब आयकर विभाग की जांच नहीं बैठनी चाहिए, क्या इनके खातों पर रोक नहीं लगानी चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है, अपनी राय देना ना भूलेगा। चलेंगे इसी के साथ अगली एक और बड़ी खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला करारा हमला, कहा महिलाओं के अधिकारों को छीना जा रहा है बीजेपी द्वारा। जी बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। देखा जाए कल यात्रा महाराष्ट्र के पालघर पहुंची, जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि घर हो या दफ्तर, मेहनत करने में महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हटती हैं। इनकी मेहनत को कांग्रेस गृह लक्ष्मी न्याय गारंटी योजना से सलामी देगी, भावी पीढ़ी के पालन पोषण और देश में नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए सालाना 1,00,000 रुपये दिया जाएगा और जिससे महिलाओं को एक शक्ति मिलेगी, बल्कि बीजेपी की तरह केवल और केवल बयान बाजी
बयानबाजी नहीं की जाएगी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि केवल और केवल देखा जाए बीजेपी ने महिलाओं के अधिकारों को छीना है। देखा जाए बीजेपी ने सन 2019 के चुनाव से पहले कहा था कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने गोला दिया कि आरक्षण सर्वे के बाद मिलेगा, लेकिन अब तक बीजेपी सर्वे नहीं करा पाई है जब तक सत्ता में आई है। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर, सर्वे को लेकर? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ रही है तो बिना सर्वे के ही महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। आपकी क्या राय इन सबको लेकर, अपनी राय दीजिएगा। चलेंगे अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, किसानों ने बोला है केंद्र सरकार पर करारा हमला। कहा अगर मांगे नहीं हो रही है पूरा तो लोकसभा चुनाव तक रहेगा आंदोलन जारी। जी बड़ी खबर निकल के आ रही है, हजारों किसानों ने शुक्रवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में भी मौजूद रहे, यानी कि बृहस्पतिवार से चल रही महापंचायत शुक्रवार तक चली। महापंचायत में देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी किसान एक साथ आ चुके हैं और उनका कहना है कि अगर MSP की मांग पूरा नहीं की जा रही है तो लोकसभा के चुनाव तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत भी रहेंगे साथ। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। वैसे MSP को लेकर अपनी भी राय देना ना भूलिएगा। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी बता दें, CAA को लेकर मामला जा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई करने जा रहा है। जी बता दें, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब सुनवाई 19 मार्च को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 2024 पर रोक लगा दी है। अब याचिका के बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगा। लेकिन आपको बता दें, याचिका दायर करने वाले कोई और नहीं बल्कि वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध पर इसे स्वीकार किया गया और इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने की भी बात कही जा रही है। वैसे आपकी क्या राय है इसको लेकर, क्या इसे बीजेपी चुनावी मुद्दा बना पाएगी या नहीं, क्या इसका मुंहतोड़ जवाब विपक्ष देने के लिए तैयार रहेगा, अपनी भी राय दीजिएगा। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का होने जा रहा आज शाम तक ऐलान। जी हाँ, शाम 3 बजे तक हो जाएगा ऐलान। निर्वाचन आयोग लोकसभा के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए अब चुनाव आयोग तैयार हो चुका है। कल यानी आज यानी शनिवार को इसका अंतिम रूप पेश किया जाएगा। चुनाव आयोग आज शाम तक ऐलान कर देगा आखिर कब होंगे चुनाव। देखा जाए, चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया हैंडल पर भी एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि आज शाम तक आ जाएगा सारा चुनाव का ब्यौरा। आपको बता दें, मौजूदा लोकसभा कार्यकाल 16 जून को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले लोकसभा का नया गठन करना ज़रूरी है। पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च को किया गया था। 11 अप्रैल से ही 7 चरणों में मतदान हुआ था। मतगणना 23 मई को हुई थी। अब ये देखने वाली बात होती है कि आखिर क्या मई के भीतर मतगणना हो पाएगी 24 के लोकसभा चुनाव की या नहीं। चलेंगे अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। केजरीवाल को मिल रही है याचिकाओं पर बड़ी राहत, नहीं होना पड़ेगा इन्हें मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अबकारी नीति घोटाले मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर प्रवर्तक निदेशालय की शिकायतों को लेकर निचली अदालत पहुंचे अरविंद केजरीवाल के समन को अदालत ने चुनौती दी गई थी। अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए नहीं कहा गया था। 16 मार्च तक समय दिया गया था, लेकिन इसके बाद आपको बता दें एक विशेष छूट मिल रही है अरविंद केजरीवाल को। जी हां, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि चुनाव के बीच वे किसी भी सुनवाई के बीच नहीं रह पाएंगे मौजूद। क्या इसको लेकर अब बड़ी राहत मिल सकती है? कहीं ना कहीं देखा जाए विपक्षी नेताओं को किसी न किसी सिलसिले में फंसाना चाह रही है बीजेपी। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2 मेयरों को किया गया है तुरंत सस्पेंड। भाजपा के 2 पार्षदों को कर दिया गया है सस्पेंड। बड़ी खबर निकल के आ रही। चंडीगढ़ नगर निगम की सदन की बैठक में शुक्रवार को विवाद हो गया था और भाजपा के पार्षदों को निलंबित किया जा रहा है। और देखा जाए तो खास तौर पर हंगामे की सबसे बड़ी वजह ये निकल के आ रही कि मेयर को ही रोंदू करके चिढ़ाया जा रहा था। ये बड़ी बात निकल के आई जिसके बाद पार्षदों को निलंबित कर दिया गया है। एक और अपडेट निकल के आ रही है। मोदी और प्रियंका हो सकती हैं फिर से आमने सामने। मोदी को चुनौती देने के लिए प्रियंका हैं तैयार। जी आपको बता दें, कांग्रेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
एक बार फिर से आमने सामने हो सकते हैं बनारस में। टीम इंडिया गठबंधन के तहत अब देखा जाए 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। प्रियंका गांधी को बनारस से चुनाव लड़ने का पूरा मन बनाया गया है, क्योंकि इससे पहले देखा जाए बनारस में दौरे भी किए हैं प्रियंका गांधी, और यही माना जा रहा है कि इस बार मोदी की लड़ाई प्रियंका से फिर होने जा रही है, और अमेठी को लेकर अभी भी सस्पेंशन बना हुआ है। वैसे देखा जाए राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे या उनके बेटे या फिर राहुल गांधी खुद ही मैदान में आ रहे हैं अमेठी से। वैसे आपकी क्या राय है, क्या अमेठी में इस बार बदलाव जरूरी है, बदलाव होकर रहेगा, अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट निकल के आ रही जी, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें असम में टीम इंडिया लड़खड़ाती दिख रही है। इसकी क्या वजह है जरा समझिए, आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों को वापस ले लिया है, लेकिन टीएमसी के 4 कैंडिडेट अभी भी हैं उपस्थित। क्या इसी तरह आने वाले लोकसभा चुनाव में बिखराव दिख सकता है टीम इंडिया में? पूर्वोत्तर राज्य असम में टीम इंडिया अलायंस अब खास तौर पर कमज़ोर दिख रही है। एक तरफ दिल्ली के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने गुवाहाटी लोकसभा सीट में अपने उम्मीदवारों के नामों को वापस ले लिया, दूसरी तरफ ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। अगर ऐसे ही टीम इंडिया अपने पांव पीछे करती रही तो एक बार फिर से लोकतंत्र की हत्या होना पूरी तरह से जायज़ है। अपनी भी राय देना ना भूलिएगा इसको लेकर। और ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जी हाँ, बता दें ईवीएम को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को कल बड़ी राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पूरी तरह से सही बताया। उन्होंने कहा कि काम काज में अनियमितता पर आरोप लगाना सही नहीं है जब तक ठोस साबूत नहीं है। वैसे देखा जाए आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव आगे आ रहा है वैसे वैसे ईवीएम को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। किस तरह से बीजेपी खास तौर से ईवीएम के जरिए चुनाव सत्ता में आ रही है, इसकी वजह यह भी है कि सर्वे सब कुछ साफ कर देते हैं लेकिन ईवीएम पूरी तरह से खेला ही पलट देता है। इन सब को लेकर साल के शुरुआत में ही कांग्रेस ने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने और देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि ईवीएम के जरिए बीजेपी सत्ता में आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इनकार किया इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।